ये वीडियो के जरिए हम किसी का दिल या किसी के धर्म को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते। हम तो बस इतनी कोशिश करते हैं कि हर इंसान को हकीकत का पता चले। ये वीडियो सुनने के बाद आप खुद ही फैसला कीजिए सही या गलत। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लाहौर वाले फिर का करीब आकर बात करता, दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। भाई घबरा गए हो तो मैं खत्म करूं गुफ्तगू अपनी। मैं चाहता हूं कि तुम, क्योंकि सर मेरी दो तकरीरें रह गई हैं कल और परसों, तो मैं कुछ आपको देकर जाऊं। अब ईसा आया, गवारे में बात की, ये है ईसा का सिलसिला। तो अब इस्माइल के सिलसिले में भी ऐसा होना चाहिए जो आते ही बात करे, आते ही बात करे। जबान से बात करो नौजवानों। मैंने किया बालिग दिमाग मेरे सामने बैठे, पहली तकरीर से मैं कर रहा हूँ जिनका इतना दिमाग हो जो मुझे मेरे से बात करते चले, और मैं उनको लेके चलूं। इसहाक के सिलसिले में तो है, अब इस्माइल के सिलसिले में कोई हो जो हो। हाँ सुनो लाहौर वाले सुनो, आज अब्दुल हकीम क्या कहना चाहता। नाम किसने रखा था? अल्लाह ने। नाम किसने? अल्लाह ने रखा। अजीब जुमला है, तारीख मौलूद अमीरुल मोमिनीन में ये अल्फाज है। सुनो खामोशी से सुनो, जहां जहां आवाज आ रही है। जब जनाबे रसूल इस दुनिया में आया, जब जनाबे रसूल इस दुनिया में आए, तो जनाबे अली की वालदा कितना जाहिरी उम्र में बड़ा है? 30 बरस। यानी अब अली को 30 बरस बाद में आना है। मैं तो सुना था बड़े बड़े आपने उलमा सुने हैं, मैं तो उनके जूतियों के बराबर नहीं, आप इत्तेफाक तो सुन में रहूं। क्या कहना था उसका? अलामा नकन के मिला। मैंने क्या किया? जनाबे रसूल अकरम आए, 30 बरस बाद आना था अली को। अली की मां जनाबे फातिमा बिनत असद जनाबे आमना को मुबारक देने के लिए आई। जनाबे बुताने बैठे हुए, देख रहे कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत। जनाबे बुताल भस रहे हैं। जनाबे फातिमा बिनत असद ने पूछा, ये क्या है? मैं बच्चे को देख रही हूं और आप हंस रहे हैं। आपने फरमाया आपको ऐसा बच्चा चाहिए? जबान से बात मेरे करीब की बैठी, आपको ऐसा बच्चा चाहिए? आपको ऐसा बच्चा चाहिए? आपको ऐसा बच्चा चाहिए? आपको ऐसा बच्चा चाहिए? हाँ कहा 30 बरस के बाद मिलेगा, 30 बरस के बाद मिलेगा। अब जनाबे अबू तालिब गए, काबे का तवाफ किया और दुआ मांगी। अब दुआ मांगो, जो अबू तालिब का अकीदा वो रसूल का वो मेरा, अगर शिया कहलाए और उसका अबू तालिब जैसा अकीदा नहीं, तो मुझे कोई काफिर कहे तो कहे, मैं उसी को काफिर कहूंगा जिसका अबू तालिब जैसा अकीदा नहीं। मुझे काफिर कहे तो कहने, मैं कहूंगा। क्या अल्फाज है जनाब अबू तालिब के मौलूद अमीरुल मोमिनीन तारीख में? जनाब अबू तालिब ने तवाफ किया और दुआ क्या मांगी? अदऊ का रब्बल बैत वन नज़ूरी, दुआ मुखलसन अब्दिन फकीरी। ए काबे के मालिक, आज मैं फकीर की हैसियत में दुआ मांगने के लिए आया। ए काबे के मालिक, सुनो जहां आवाज आ रही है, ए
काबे के मालिक, आज मैं मुखलिस अब्द फकीर की हैसियत में दुआ मांगने के लिए आया हूं। सुनोगे दुआ? फआतनी या हाल की सुरूरी बिल वलद हलाहिल मजकूरी। या अल्लाह, दुआ मांगने आया हूं कि मुझे वो बेटा अता कर जो मेरे आंखों का नूर हो और कायनात का मुश्किल कुशा हो। भाई खामोश रह गए क्या? तुम्हारा अबू तालिब जैसा अकीदा नहीं? अबू तालिब कह रहा है, मेरे पास तारीख पड़ी है, मैं लेकर आया हूँ कि क्योंकि यहाँ थोड़ी बीमारी है लाहौर में, कोई हो सकता है कि मुझसे पूछे, तो मैं तारीख लेकर आया हूँ। या हाल की सुरूरी बिल वलद हलाहिल मजकूरी। या अल्लाह, बेटा वो दे जो आंखों का नूर हो, दिल का सुरूर हो और कायनात का मुश्किल कुशा हो। जबान से बात करो बेजुर्ग बेजुर्ग, कायनात का मुश्किल कुशा हो। यकून लिल मबूस कल वजीर, ये जो रसूल आया है उसका वजीर हो। जबान से बात करो, घबरा गए हो मेरे नौजवान। नारा हैदरी। बैठ जा, समझ में आ गई बात? क्या कहूँ मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा मैं क्या कहना चाहता हूँ? यकून लिल मबूस कल वजीरी, ये जो रसूल आया है उसका वजीर हो। खत्म हो गई? नहीं, अब एक अकीदा है। या लहुमा मिन नूरी। या ला, क्या कहना उनके नूर का एक होना। समझ में आ रहे? क्या कहना उनके नूर का एक होना, क्या कहना? ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा लाहौर वाले, मैं मस्जिद पढ़ने के लिए आता हूं। सुनो, मैंने कहा तारीख मेरे पास मौजूद है। अब जनाबे अली काबे में आए, तारीख ने बताया, अबू तालिब ने बेटे को उठाया, जनाबे फातिमा बिनत साथ और दुआ मांगी। किन किताबों में है? तो पहाड़ी पर चढ़कर। किन किताबों में है? काबे में है। जो भी है, बड़ा दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी? या रब जल गसक दुजा वल कमर मुतबल्जिल मुजी, ए शदीद तारीकी के मालिक और रोशन चांद के माबूद। अबू तालिब मोमिन नहीं, तुम्हारे मोमिन थे? कुरान से बताओ। नारे हैदरी। कुरान से पढ़ो। नारे हैदरी। अभी तो 30 बरस के बाद रसूल को ऐलान कर रहा है। या रब जल गसक दुजा والقمر المتبلج المزي بين لنا من حتمك المقضي ما ذا ترى في اسم ذر سبي، اے شدید تاریکی کے مالک اور روشن معبود، روشن چاند کے معبود، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ زبان سے بات کرو نوجوان، میرے قریب بیٹھے، تو بتا، مقدر میں تم نے اپنے فیصلے میں इसका नाम क्या तजवीज किया? तुमने फैसले में क्या नाम तजवीज किया? क्या नाम तजवीज किया?
हवाले कर दो अपने आप को अली के।